दोस्तों, शुरुआती समय से ही खेलों को मनोरंजन का एक साधन माना गया है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ मनोरंजन भी बिजनेस में बदल गया है और इसी वजह से हमें कई खेल ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो बेहद अनोखे और जोखिम भरे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुल फाइटिंग। इस खेल को दुनिया का सबसे हिंसक खेल कहा जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। इस खेल में जानवर पर भी हिंसा की जाती है, उसे शराब तक पिलाई जाती है। मुख्य तौर पर स्पेन में और उसके आसपास के देशों में खेला जाने वाला यह खेल अब तक कईयों की जान ले चुका है। इस बुल फाइट में हर साल सांडों के मरने की संख्या 25,000 तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इस खेल में हिस्सा लेने वाले मेटाडोर भी जान गंवा देते हैं। नंबर 2, कैलिसियो स्टोरिको। इस खेल के बारे में वैसे तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मगर रग्बी, सॉसर और ग्रीको रोमन पहलवानी के रूप में मिश्रित तरीके से खेला जाने वाला यह खेल जान तक ले सकता है। गेंद एक दूसरे से छीनने के लिए खिलाड़ी एक दूसरे को मुक्के व लात से मारते हैं। कई बार यह मारपीट इतनी बुरी तरह हावी हो जाती है कि लोगों की जान तक चली जाती है। इस खेल में कुल 27 खिलाड़ी होते हैं जो कुछ भी करने के लिए फ्री होते हैं। नंबर 3, बुल रनिंग। अब हमें नहीं लगता कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा देखने के बाद इस खेल के बारे में कुछ विशेष बताने की जरूरत है। यह खेल खुद ही बेहद डरावना है। इस खेल में कई लोग सांडों के पैरों तले रौंद दिए जाते हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो हजारों की संख्या में भाग रहे लोगों के पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। नंबर 4, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। इसका मिक्स्ड होना ही इसकी खासियत भी है और खतरनाक होना भी। अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे देशों में पॉपुलर यह खेल अब तक कईयों की जान ले चुका है। नंबर 5, आइस हॉकी। इस खेल में चोट लगने की भारी संभावनाएं होती हैं। खिलाड़ी इतनी तेज गति से आगे पीछे बढ़ते हैं कि दुर्घटनाएं घटती ही घटती हैं। साथ ही इन मुकाबलों में खिलाड़ियों का आपस में लड़ जाना तो दूसरी ही कहानी लिखता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।